तो ये खेत इस तरफ के लिए चौड़ा है और इधर के साइड के लिए बारीक है, और नीचे पूरा कोहरा लगा हुआ है साइड के लिए, और नीचे घाटी में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो ये पौधा है ये सरसों का पौधा है, और सरसों भी मार्च के महीने तक पक के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी अच्छे गेहूं हो रखे हैं, बिल्कुल मस्त लग रहा है इसकी बालियां। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल तेजी गुसाई ब्लॉग में। आज सभी ठीक हूँ तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी सुबह के 9 बजे से हो रही है, और कल से यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आ रही है, किसी टाइम बारिश आ रही तो किसी टाइम रुक जा रही है। और आज सुबह से तो यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की धूप ही निकल रखी है साथ में। तो अभी मौसम का कोई पता नहीं है कि बारिश भी आ सकती है और धूप भी लग सकती है। वैसे तो 2-3 दिन तब मौसम बेकार ही बता रखा है, फिर देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे आसमान साफ हो रखा है, और इस तरफ के लिए घूमे तो इस तरफ के लिए देखिए बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, और नीचे पूरा कोहरा लगा हुआ है साइड के लिए, और नीचे घाटी में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जल्दी से जल्दी 3000 सब्सक्राइबर पूरे करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर वो धीमी गति से बढ़ रहे हैं। और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तो वीडियो ज़्यादा बूस्ट करेगी, और क्योंकि मेरी वीडियो में बहुत कम लाइक आते हैं, जिस हिसाब से व्यूज आते हैं। तो दोस्तों अभी दिन के 1 बज चुके हैं, तो मैं घर में आ चुका हूँ, और अभी तक अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, फिर से बादल लग चुके हैं और काफी ठंडा हो चुका है मौसम। और मौसम अच्छा हो गया था, बीच में इतना ठंडा नहीं लग रहा था, मतलब सुबह शाम हल्के से ठंडा हो रहा था, और जैसे कल से बारिश शुरू हुई तो ठंडा फिर से बढ़ चुका है और काफी ज्यादा ठंडा होने लगे पहाड़ों में। आगे देखिए, यहाँ से नेत्रा मुझे नीचे नहीं जाने दे रही है, और यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है। किसने सिखाया तुझे ऐसा है? नमस्ते कर, ऐसे बोल, वीडियो लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं और नेत्रा थोड़ा इस तरफ के लिए जा रहे हैं घूमने के लिए, और अभी आ जाएंगे। और आगे से नेत्रा रास्ता लगी हुई है, इधर देख नेत्रा, हाय कर दे, चल अब आगे से। तो नेत्रा को परफेक्ट बनाएंगे बोला। ओह नेत्रा गिर गई, अरे क्यों है ये, ले गए हैं ये देखे दारू पी यार, आराम से चल। हाँ अच्छा, क्या बोल रही है, इधर देख कैमरा में देख के बोल, बोल हाय। और कुछ नहीं बोलेगी, ऐसे बोले दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया है। खेतों को देखिए, यहाँ पे बारिश आने के बाद बहुत हरे हो चुके हैं, और गेहूं के पौधे पे बालियां भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी बालियां आ रखी है। और जो ये पौधा है ये सरसों का पौधा है, और सरसों भी मार्च के महीने तक पक के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी अच्छे गेहूं हो रखे हैं, बिल्कुल मस्त लग रहा है इसकी बालियां। नेत्रा बहुत तेजी से जा रही है आगे से, और बिल्कुल रुक नहीं रही है, तब मैं इसे रुकने के लिए कह रहा हूँ। नेत्रा रुक जा, यहाँ से रास्ता खराब है। और ऊपर देखिए, यहाँ जंगल की तरफ धूप लगी हुई है, और गांव की तरफ छाव हो रखे है। आजकल फूल खिलने भी स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फूल खिले गए खेतों की दीवारों पे। अभी हम पहुंच चुके हैं ताऊ जी के घर पर, और यहाँ पे सुनील खड़ा हो रखा है। और सुनील क्या हाल चाल है? तो ये सारे से ही बात कर रहा है। चलो चलो चलो, इधर इधर चलते हैं, चल आगे से। खाएगा भात? अच्छा तो जब भात खा रहे तो यहाँ पे ताऊ जी भात खा रहे, अब भाभी भी भात खा रही है यहाँ पर। यहाँ पे फिर से धूप लग चुकी है हल्की सी, पर किसी टाइम धूप लगती तो किसी टाइम छा हो रहा है, और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई यहाँ पर। और इस पेड़ पे देखिए, अभी तक बहुत सारे माटे दिखे दे रहे हैं, और माटे के पेड़ पे फूल भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कुंपे आ चुके हैं फूल के, बहुत सारे दिखे दे रहे हैं।
मित्रा यहाँ पे ताई के पास चली गई है। हम खाना खाने जा रहे, जा रही खाना खाने। हाँ ले गए ऐसी छाने तो खान खान। चल आ दिया जो दिया जो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो मेरी अगले दिन शूट हो रही है। तो आज हम जा रहे हैं हल लगाने के लिए और लगभग 5 महीने के बाद हम आज हल लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हल लगाएंगे और फिर 1 महीने बाद इसमें झुंगोरे की बुआई होगी। यहाँ पे हल भी रखा हुआ है तो हल लेके जाने हमें, और पापा उसे अभी सही कर देते थोड़ा। बाय नेत्रा, कहाँ है बाय। अभी मैं पहुंच चुका अपने खेत में और इसी खेत में हम हल लगाएंगे और सबसे पहले गोबर पूरे खेत में फैला देंगे हम। और अभी हमारे बैल नहीं आए, इनको पापा लेके आएंगे। पहले यहाँ पे गोबर पूरे खेत में फैला देते हैं। और हमारे गांव वाले के सभी के गाय बैल आ रहे हैं अब खेतों में और कोई हल लगाने लगे यहाँ पे देख सकते हैं। और इस साइड के लिए भी लगा रहे हैं और खेतों का व्यू देखिए काफी शानदार लग रहे है। और गाँव के ऊपर जंगल देखे, जो कि जंगल काफी प्यारा लगता है हमारे गाँव का। और चारों तरफ घना जंगल हमारे गाँव में। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे लेट हो जाएगी तो मैं फटाफट यहाँ पे ये गोबर को छान लेता हूँ खेत में। तो खेत में बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे तो उनको भी पहले साफ करते फटाफट। अभी मैंने इतना गोबर फैला दिया है खेत के नीचे 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 की तरफ, इसलिए झाड़ रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि हल नीचे की तरफ से लगेगा। और अभी इधर के साइड भी झाड़ता है गोबर फटाफट। हमारे बैल भी आ चुके खेत में। दा दा कुछ नहीं खड़ा गया, चलो डालो ए दा 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 सीधे रोने दा लाल लालो बोल ना चुपचाप रहा। ले यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा लगा मुझे गोबर छाड़ते हुए इस पूरे खेत में। और क्योंकि गोबर काफी ज्यादा था और पापा ने इतना हल भी लगा दिया है, मैं सुबह जल्दी भी आ गया था फिर भी बहुत टाइम लग गया है। तो ये खेत इस तरफ के लिए चौड़ा है और इधर के साइड के लिए बारीक है। तो दोस्तों, मैंने इस खेत में हल भी लगा दिया है और आज पहला दिन है तो आज थोड़ा सा लगाएंगे हल। जो हमने ये खेत के बीच में लाइन दे रखी है ये बीज बोने के लिए, अगले दिन बीज बोएंगे तो अंदाजा आ जाता है कि किस हिसाब से बीज बोना है। हल लगा के मैं घर में आ चुका हूँ और नहा भी लिया हूँ घर में आके। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा होने लग गया है, यहाँ पे बारिश वाला मौसम हो चुका है। बिल्कुल काले काले बादल आ चुके हैं आसमान में और किसी भी टाइम बारिश आ सकती है यहाँ पर। मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं कल से बना रहा हूँ और लंबी हो चुकी होगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी।